बंधन बैंक में 250 रुपये का एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है, तो अगर आपको बाय करके चलना है तो आप 250 रुपये पर बाय कर सकते हो, ओनली बिकॉज अगर आप पास मूवमेंट देखोगे तो 250 रुपये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आप अपना 250 रुपये पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना जो ऑर्डर है वो लगा सकते हो, एंड देन 250 रुपये पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बिकॉज आप देखो तो 5 साल में भी ये स्टॉक ने कंटिन्यूसली नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, एंड रीजन इज जस्ट शार्प सिंपल। आसाम में जो बाढ़ आई थी उसका परिणाम हमें कंपनी अभी तक उभरते हुए नहीं दिख रही है, और बीच में तो बहुत लंबी गिरावट आ गई थी। अगर हम देखें तो मार्च के क्वार्टर, मई के क्वार्टर में जब भी कोविड आया था तब बहुत बड़ी गिरावट आई थी, बट कंपनी ने उधर से कोप अप किया। और अगर हम उसको छोड़कर अगर हम अभी की मूवमेंट देखें ना, अभी तक की, तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम देखें तो मूवमेंट को छोड़ देते हैं जो बाढ़ वाली मूवमेंट है, बट कोविड के आने के बाद से कंपनी ने 58% का अपसाइड मूवमेंट बताया है, जो स्टॉक के लिए ग्रेजुअली बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड यहाँ पर देती है कंपनी। उसको छोड़ते हुए अगर हम देखें तो पीई रेशियो हमें 21 का देखने मिल रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ओके यहाँ पर अगर आपको एकदम अच्छा एकदम सेफ खेलना है ना और लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है ना, तो 251 या फिर 252 का आप लगा के चल सकते हो बाय ऑर्डर। उधर से यहाँ पर वो जो भी है अपना उधर से बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो हमें अभी अभी न्यूज़ देखने मिली थी ये वाली न्यूज़ कि कंपनी डिजिटलाइज होने वाली है और पूरा अपना मॉडल ही चेंज करने वाली है। क्योंकि अगर आप देखो तो बंधन बैंक ये यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है डिजिटल कैपेबिलिटीज़ में। उसका 2025 तक का विजन है कि वो पूरा डिजिटलाइज्ड हो जाए, क्योंकि अभी भी कई सारी चीज़ें हैं बैंक्स में जो डिजिटलाइज नहीं है। बंधन बैंक में तो वो पीछे ही रह गया बिकॉज आसाम बाढ़ की वजह से उन्हें कई बहुत बड़ा नुकसान देखने मिला था। खैर उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें, MFI टर्न्ड बैंक बंधन बैंक विल इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग डिजिटल कैपेबिलिटीज़ एज अ पार्ट ऑफ विजन 2025। उनका एक विजन 2025 का एक विजन था, और उसकी कैपेबिलिटीज़ के अंडर उन्होंने ये डिसीजन लिया है और वो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का कहना है, उसके जो प्राइवेट लेंडर है चंद्रशेखर घोष, उन्होंने मंडे को यह बयान दिया, और अभी चल रहा है थर्सडे, तो मंडे को यह बयान दिया और यहाँ पर न्यूज़ भी सामने आ गई। अगर हम एग्जैक्ट टाइम देखें तो 23 अगस्त की न्यूज़ है ये, और 20 मतलब आप समझ सकते हो कि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास न्यूज़ आई थी 23 अगस्त को। वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम और नीचे जाए, विद अ प्रेजेंट बिजनेस साइज ऑफ ₹1.50 लाख करोड़ का जो उन्होंने कहा है, जो इनका विजन है वो उधर इन्वेस्ट करने वाले और उनके एसेट्स को बढ़ाकर और डिजिटलाइज करेंगे। खैर इसको छोड़ते हुए अगर हम दूसरे चीज़ों पर डिस्कशन करें ना, तो हमें देखने मिल रहा है कि ओके कंपनी की जो वीकनेस है वो यही है कि उनके पास असेट्स नहीं है और रिटर्न ऑन असेट्स बहुत ही कम आता है, जिसकी वजह से कंपनी सफ़र करती है, एंड दैट इज़ वाई कंपनी ने अच्छे से खासे टारगेट्स लेने की कोशिश की है। अगर हम पिवट पॉइंट का लेवल देखें तो पिवट पॉइंट पर हमें दिख रहा है कि एकदम जो तगड़ा सपोर्ट होने वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया 257 का है, बट स्टिल अगर आपको और मतलब एकदम सेफ खेलना है तो 257 पे आप बाय ऑर्डर लगा के चल सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि बंधन बैंक और गिरेगा, जैसा कि मुझे लगता है पर्सनली, अभी मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है पर्सनली कि ये 150 तक आ सकता है, तो आप 152 या फिर 153 अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो, तो जितना भी वो गिर सकता है उतना गिर कर वो बाउंस बैक दे देगा। तो वन जो 250 है वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है, क्योंकि अगर और नीचे आता है तो 250 से नीचे नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको एकदम सेफ खेलना है या न्यूज़ की वजह से अगर आपको एंट्री लेनी है तो 257 से आप एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो। लमसम अमाउंट मतलब पूरा अमाउंट आपके पास जितना है वो एक टाइम पे नहीं लगाना है, आप कर सकते हो कि ओके 257 पे मैंने थोड़ी क्वांटिटी बाय कर ली, उधर से और नीचे आया तो मैंने वेट किया, यहाँ पर 250 का लेवल्स बताए थे तो 255 पे बाय कर लिया, 254 पे बाय कर लिया, 253 पे बाय कर लिया, और फिर अपने कैपेसिटी के हिसाब से 252 या फिर 250। पर हमने जितना भी कैपिटल बचा था वो लगा दिया, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि अपना पूरा कैपिटल मतलब अपने पास जितना भी स्टॉक मार्केट में हमारे पास कैपिटल है सब एक ही जगह पर नहीं लगाना है, भले ही वो रिलायंस जैसा बड़ा स्टॉक क्यों ना हो। वो कितना भी बड़ा हो, हमें देखने मिला कि रिलायंस स्टॉक में भी हमें नेगेटिव मोमेंट ही देखने मिल रही है इतने टाइम से, मतलब एटलीस्ट कंसॉलिडेट ही हो रहा है। खैर वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम वॉल्यूम के ऊपर नजर डालें तो जनरली वॉल्यूम जो बनती है वो बन रही है 74 लाख की, वो आसपास ही है। और अगर हम डिलीवरी परसेंटेज भी देखें तो डिलीवरी परसेंटेज भी उसमें कुछ
कुछ इतना बदलाव नहीं आया है, 41% ही है। तो ये न्यूज़ आने के बाद भी ऐसा इन खास कुछ नहीं हुआ है स्टॉक में, तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हो, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बिकॉज पी रेशियो नेगेटिव मतलब 20 है, तो वो और नीचे नहीं आ सकता है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा 250 के, क्योंकि हमें बता रहे कि अगर समझो पी 200 का होता या फिर अगर समझो 80 का भी होता ना, तो हम कह सकते थे कि 250 के बाद भी और गिर सकता है, बट स्टिल पी इतना कम है तो गिर गिर के भी वो 250 के लेवल तक मैक्स टू मैक्स गिर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग द स्टॉक, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।